हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बिहार एग्रीकल्चर के ऐसे स्टूडेंट जो लोग काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, तो उनका काउंसलिंग का शेड्यूल एक मंथ पहले बीसीसी बोर्ड ने जारी किया था, लेकिन उस काउंसलिंग के पूरे नोटिस को कैंसिल करके फिर से नया काउंसलिंग का नोटिस बीसीसी बोर्ड ने, आपको पता होगा, 16 तारीख को जारी कर दिया था, जिसके बाद पूरा उसमें डिटेल्स में बताया गया था, पूरा सीट मैट्रिक्स बताया गया है। और आप यहां पे देख सकते हैं, आपका 16/10/2019 को आपका सीट मैट्रिक्स आ गया था। उसके बाद 18/10/2019 यानी कि कल से लेकर 22/10/2019 तक आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और सीट अलॉटमेंट एंड लॉकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपका 30/10/2019 को फर्स्ट राउंड का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर है, जिसे आप 30/10/2019 से 3/11/2019 तक डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन फर्स्ट राउंड का आपका 6/11/2019 से 9/11/2019 तक होगा। आप लोग अगर पूरा नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे फेसबुक पेज एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का, वहाँ से जाके आप पूरा नोटिस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे कि बीसीसी पीसीएम ग्रुप, पीसीबी ग्रुप और पीसीएमबी ग्रुप का एक अलग से बीसीसी ज्वाइंट करके आ रहा है, और एक आपका लिंक आ रहा है सीबीए पीसीएमबीए एमसीए का। पूरा डिटेल्स में बताएंगे कैसे आपको फॉर्म को मोबाइल से ही भरना है, पूरा डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसके सहायता से आपको आगे जाके चॉइस फिलिंग और लॉक कर देना है फॉर्म को लॉगिन करके। तो पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे, यहाँ पे बता दिए कि आपका 22 तारीख तक लास्ट डेट है। बहुत सारे बच्चे डेट खत्म होने के बाद पूछते हैं, तो जितना हो सके इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे एक भी बच्चे छूटे नहीं। 22 तारीख तक ही आपको बीसीसी मौका दिया है, जिसमें आप अपने यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए करा सकते हैं, जिसके बाद आपका 30/10/2019 से 3/11/2019 तक आप फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके 6/11 से 9/11/2019 तक आप नामांकन ले सकते हैं बिहार एग्रीकल्चर में। चलिए आपको इसमें बताते हैं कि कितना कितना कॉलेज सीट मैट्रिक्स में दिखाया है। तो जो लोग बीसीसी 2019 का एग्रीकल्चर साइंस से करना चाहते हैं, उनके लिए आपका 6 कॉलेज ऑप्शन में आ रहा है। ये मैं बीएससी एजी एग्रीकल्चर साइंस वालों के लिए बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपका आएगा बीएससी सबौर, उसके बाद आएगा एमबीएससी सहरसा, उसके बाद आपका आएगा वीकेएस कॉलेज ऑफ अग्री डुमराव बक्सर, फोर्थ में आपका आएगा बीपीएस अग्री कॉलेज पूर्णिया, फिफ्थ में आपका आएगा डीकेएससी कॉलेज किशनगंज, और आपका इसके बाद एक बीएससी हॉर्टिकल्चर भी आप कर सकते हैं। मतलब बहुत सारा कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, बीएफएससी है, उसके बाद डेयरी टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, आप बी फार्मा है, मतलब जितना भी आपका बीसीसी के द्वारा एडमिशन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को क्यूरियोसिटी होता है बिहार एग्रीकल्चर का। तो इसमें आपका लगभग 5+ कॉलेज 6 कॉलेज आप इसमें डाल सकते हैं, मतलब अवेलेबल च्वाइस आपका लगभग 6 है, जिसमें आपको जितना मन है, अगर 4 डालना है तो 4 डालिए, 6 डालना है तो आप 6 डाल सकते हैं। चलिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं। जितना हो सके शेयर कर दीजिए, जितना भी बिहार एग्रीकल्चर का डाउट है इस वीडियो में आपका क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा और टाइप करना होगा बीसीसी। जैसे ही आप यहाँ पे बीसीसी टाइप कीजिएगा तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद का, देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको आना है, देख सकते हैं यहाँ पे बीसीसी का ऑफिशियल साइट आपका ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं हम लोग ऑफिशियल पेज पे हैं बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के। जो लोग इस पेज पे नहीं आ पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक है, जैसे ही आप उस लिंक को टच कीजिएगा आप बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के ऑफिशियल साइट पे आ जाइएगा। इसके बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 2 नंबर में ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ बीसीसी पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी सीबीए एमबीए एमसीए पीसीए 2019, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसमें आपको यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएगा, मतलब 2 लिंक आएगा। एक लिंक आएगा अप्लाई फॉर बीसीसी 2019 सीबीए एमबीए एमसीए पीसीए, ये आपके लिए नहीं है, इसको आप ओपन कीजिएगा तो यहाँ पे आईटीआई कैट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो इस दूसरा लिंक पर क्लिक करना है अप्लाई फॉर बीसीसी ज्वाइंट पीसीएम पीसीबी पीसीएमबी पे। इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं आपके
पास एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। इसमें आपको यहाँ पे BCEC एग्रीकल्चर को सेलेक्ट कर लेना है। इस पर जैसे ही आप सेलेक्ट कर लीजिएगा तो इसके बाद आपको यहाँ पे पूरा पढ़ के आपको एग्री पे सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड कीजिएगा तो इसके बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये वाला कैप्चा को डाल के जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको मैसेज और ईमेल आईडी पर एक आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। इसके सहायता से आप आगे लॉगिन करके पूरा चॉइस को भर सकते हैं। जो लोग को फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है वो लोग हमारे टोल फ्री नंबर 7903979715 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जितना हो सकता है, जो लोग बच्चे मतलब काउंसलिंग नहीं कर पा रहे हैं हमारी टीम उन लोग का काउंसलिंग कर दे रही है। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम लोग को वेल एक्सपीरियंस है, बहुत दिन से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो हम लोग का आइडिया रहता है कि कौन आप लोग को अच्छा ब्रांच मिलेगा, कैसे आप लोग को अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो उसके आधार पर हमारी टीम यहाँ पर काउंसलिंग करती है। तो जो लोग काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो 7903979715 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपका काउंसलिंग कर देगी। लास्ट डेट आपका 22 अक्टूबर है, इसके बाद आपका काउंसलिंग नहीं होगा। जैसे ITI का हम लोग काउंसलिंग बहुत सारे बच्चे लगभग 1000 प्लस बच्चे एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा से काउंसलिंग करवाए थे। तो जो लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है नंबर, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।